शिव मंदिर मुट्ठी स्थित जो शिव मंदिर है, जो एजुकेशन विभाग का जो डायरेक्टर ऑफिस है उसके बिल्कुल साथ में पड़ता है, यहाँ पे मौजूद हैं। और कल जिस तरह से JDA जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे एक ड्राइव की गई, जिसमें इस मंदिर के जो दोनों तरफ जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, जो बैठने के लिए जगह बनी हुई थी, जो यहाँ पे जो मंदिर का एरिया जो कवर किया गया था, उस एरिया को जो है दोनों तरफ जो है उसको पूरा क्षतिग्रस्त किया गया, तोड़ा गया उसको, जिसके बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा था, रोष था। आज सुबह से ही यहाँ पे जो है लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे थे, जिसके बाद जो है JDA ने अपनी गलती को माना और यहाँ से ये रास्ता है, इस रास्ते को खुला करने के लिए जो है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर जो यहाँ से बना हुआ था, जो बैठने के लिए यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाई गई थी, जो JMC ने लगाई थी, ये लाइटें आप देखेंगे ये भी JMC के द्वारा लगाई गई हैं, यहाँ पे जो तोड़फोड़ की गई है ये इस रास्ते के कारण की गई है, जहाँ तक अभी तक जो मालूम यहाँ पे चला है कि रास्ता खुला करने के लिए जो है इसको तोड़ा गया यहाँ पे। और अब जो है JDA ने ये अपनी गलती को सुधारने के लिए ये माना है, ये आप चूना भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये चूना यहाँ पे डाला गया है, और इतना जो है इसको ये खुला किया जाएगा, इस रोड को खुला किया जाएगा, और जितनी जगह यहाँ पे इस रोड में आ रही है इतनी जगह जो है पीछे नाले वाली साइड जो है इसको और बढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं JDA ने जो है इस अपनी गलती को और लोगों के गुस्से को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं जो है इस पर निर्णय लिया है कि इस मंदिर का निर्माण जो है जो भी यहाँ पे बना हुआ था उसको दोबारा से जो है बनाया जाएगा। जो आज सुबह से यहाँ पे जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों की आस्था को कहीं ना कहीं जो ठेस पहुँची थी उसको देखते हुए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम लिया है। और आज जिस तरह से एकजुट जम्मू चेयरमैन जो हैं अंकुर शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पे जो है एक प्रोटेस्ट जो है वो रखा गया था, हालांकि प्रोटेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे जब उनकी बातचीत मंदिर कमेटी के लोगों से हुई है, उन्होंने जब पूरी स्थिति जो है उनके सामने रखी है, तो क्या कुछ कहा अंकुर शर्मा ने, आइए जानते हैं। मंदिर सही, मस्जिद सही, गुरुद्वारा को नहीं गुमारी सुन। मैं कहा मीटिंग बुलाई, मेरा रिलेटिव था, मेरी बंदी थी, मेरी बेटी थी उसमें, रश्मि सुनील बस है ना आज तक, मैं कहा वो भी था, अच्छा वो आप मेरा साला है, तो मैं कहा उसके बाद उसी गवर्नर ने वहाँ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, 5 मरला 10 मरला 15 मरला 1 कनाल तक किसी को कुछ नहीं होगा, जो 300 कनाल 500 कनाल है। मैं कहा अगर गाँव का तहसीलदार है एक क्लास मजिस्ट्रेट, वो किस तरह आ गया बगैर तोड़ के, उसने तोड़ दिया। चलो बड़ा अच्छा आराम से मसला हल हो गया, बस अब हो गया उसे मान लिया, ठीक नहीं भाई साहब साढ़े कन्ने ऋण पूरी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है वहाँ वो मेन चीज़ है। अंकुर सर यहाँ पे आप आए कर ले सब इकट्ठे ही, साहब सबको एड्रेस कर सर, दिलाओ मीडिया की इकट्ठे इधर ही, इधर ही कर लो, इधर ही आ जाओ सारे, शर्मा साहब आओ, दीपक जी आयो, दीपक जी शुभम आयो, जी अंकुर जी क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया, मंदिर की जगह को जो है वो यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया, उसके बाद JDA जो है उन्होंने अपनी गलती जो है वो मानी है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि बिना नोटिस के इस परिसर को गिरा दिया गया और आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हों, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक इनसेंसिटिव अप्रोच सरकार की दिख रही है,
अब पब्लिक प्रेशर जब बना, इतने सारे लोग जब इकट्ठे हो गए और जब अधिकारियों को पता लगा कि यहाँ का आम जो जन समाज है वो इकट्ठा होकर उन पर दबाव बनाएगा, तो माफ़ी मांगने की एक प्रक्रिया शुरू की। मुझे बताया गया यहाँ पर पहुँचने पर ही कि अखंड ज्योत भी जल रही थी इस मंदिर में। मुझे लगता है कि जिस समय यह कार्रवाई की गई उस समय अखंड ज्योत जल रही थी, और उस समय बिना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई नोटिस सर्व किए, देखिए प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ, बिना उसको फॉलो किए पुजारी अंदर है और बाहर से आप बुलडोज़र चलाना शुरू करेंगे, ये एक इनसेंसिटिव कंडक्ट अधिकारियों का दिखाता है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि सरकारी तंत्र सेलेक्टिवली अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करेगा तो मुझे लगता है कि जम्मू संभाग का जो आम जनमानस है उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे आपके सामने ऐसे तथ्य हैं जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड्स हों, रिवर बेड्स हों, अपनी स्टेट लैंड्स हों, वहाँ पे तमाम कम्युनिटीज़ के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इलीगली बिल्ट हैं, लेकिन उसमें भी आप सेलेक्टिव कार्रवाई करेंगे। इस सरकार की ये वैसे ही सेलेक्टिव कार्रवाई है जिस तरीके से सेलेक्टिवली 47 के बाद सरकारों ने सिर्फ मंदिरों और मठों को टेक ओवर करने का काम किया। सरकार के पास ताकत है संविधान में कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन को वो टेक ओवर कर सकती है, लेकिन हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ही टेक ओवर करना सरकार ने अपनी प्राथमिकता रखी। मैं इसी संबंध में आपके माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि माता वैष्णो देवी श्राइन के संबंध में जो सरकारी नियंत्रण खत्म करने के लिए हमने याचिका दायर हाईकोर्ट में की है, उसमें भी इस समय की भाजपा सरकार का यही है कि नहीं, हिंदुओं के मंदिरों का कंट्रोल सरकार के पास ही रहेगा। तो एक अनफॉर्चुनेटली सेलेक्टिव टारगेटिंग करना एक समुदाय विशेष के लोगों की, और आपके सामने ये प्रमाण है, और इतने इनसेंसिटिव होना कि अखंड ज्योत जलते हुए विध्वंस का ये काम करना, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के इस अनुचित रवैये के प्रति लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से अनुचित कदम सरकार हमारे खिलाफ़ उठा रही है, सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रही है। हाँ ठीक है, गलती मानने के बाद, प्रेशराइज होने के बाद अभी आश्वासन दिया गया कि मंदिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, एक समयबद्ध तरीके में अगर अपनी ये आश्वासन को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पे तो उसका हम भी स्वागत करेंगे। अगर मामला इस समय मैनेजमेंट कमेटी की सेटिस्फेक्शन और जो लोग यहाँ पे माथा टेकने आते थे उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से रिजॉल्व हुआ है, सरकार ने कोई आश्वासन दिया है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि एक समयबद्ध तरीके में मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो शुरू होना चाहिए, और जैसे ही मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू होता है एक समयबद्ध तरीके में ये खत्म भी होना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद और जिस तरीके का गुस्सा LG एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति हिंदू समाज का, हिंदू कम्युनिटी का इस टारगेटेड अटैक के संबंध में बन पड़ रहा है, मुझे लगता है कि उसे संभालना LG एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाएगा। सेलेक्टिव हिटिंग, सेलेक्टिव टारगेटिंग आतंकी कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ से गए हुए लोग जो कश्मीर में सर्व कर रहे हैं उन्हें धर्म के नाम पर गोली मार रहे हैं, और आज आप सेलेक्टिवली धर्म को आधार बना के मंदिरों पे हमला कर रहे हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इनसेंसिटिव है कि पुजारी अंदर लेटा है, अखंड ज्योत जल रही है, आप बुलडोज़र चला रहे हो। ये कभी भी इस गलत फहमी में आप मत रहिए कि इसे टॉलरेट किया जाएगा। हिंदुत्व का राग अलपाने वाले जो संगठन और राजनीतिक पार्टियां हैं, आज उनके मुंह में जो दही जमा है वो ये साबित करता है कि हिंदुत्व की राजनीति केवल राजनीतिक फायदे और राजनीतिक कारणों से ही वो करते हैं। अंकुर जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठा कि जो सड़क यहाँ पर निकाली जा रही है, कुछ लोग जो हैं कंस्ट्रक्शन उनके पीछे चल रही है, बड़े ठेकेदार हैं, उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ से सड़क जो है वो निकाली जा रही थी, जिस कारण ये पूरा मामला हुआ, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये सरकार और ये एडमिनिस्ट्रेशन है ताकतवर के हाथ में बिकी हुई है, वो तो आपके सामने स्पष्ट है, बहुत सारे तथ्य आपके सामने हैं। रिक्रूटमेंट स्कैम्स, आज आपकी रिक्रूटिंग एजेंसीज जो हैं वो रिक्रूटमेंट माफिया का काम करती हैं, तो वो तो तथ्य आपके सामने हैं ही। हमारी तरफ से यही है कि इस मामले की व्यापक जांच होनी चाहिए, क्यों ये तोड़फोड़ हुई। जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ निजी व्यक्तियों को फ़ायदा देने के लिए, सड़क निकालने के लिए तोड़फोड़ की गई, इस मामले की भी जाँच होनी चाहिए। वो अधिकारी जिन्होंने इनसेंसिटिव तरीके से एक हमला बोला मंदिर पर, उनके खिलाफ़ भी जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जांच का इंतजार हमें करना चाहिए, जो दबाव सरकार पर बनाने की आवश्यकता है, हमें सरकार पर दबाव ये बनाने की आवश्यकता है कि आप एक जांच कमेटी गठित करिए। क्या इंटेंशन थी ये कार्रवाई करने के पीछे, सोच क्या थी, मंशा क्या थी, और मुझे लगता है कि फिर उक्त दंड जो है वो अधिकारियों को दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार की संलिप्तता भी इसमें शामिल नज़र आएगी कि बड़े बड़े स्कैम तो मिलके तुम करते हो, बड़े बड़े ठेके 1000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, चाहे वो वाइन शॉप्स बांटने का ठेका हो या माइनिंग के लाइसेंसेस बांटने का ठेका हो, छोटी छोटी चीज़ों में भी हाईएस्ट लेवल पे दलाली खाते हो। अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे इन अधिकारियों के खिलाफ़
तो मुझे लगता है कि इसी तरीके के कुछ कंक्लूजन जो हैं वो आम जनता निकालने को मजबूर हो जाएगी। अंकुर जी, नवरात्रों के दौरान इस तरह से मंदिर को तोड़ा जाना, क्या इसके पीछे कुछ षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, ये तो सरकार ने किया, अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स ने कुछ किया होता तो समझ सकते थे कि कम्युनल भावना को आहत करने की बात है। लेकिन जो सरकार हिंदू नरसंहार, हिंदू जेनोसाइड को लेकर इनसेंसिटिव है, जो सरकार हिंदुओं की जो धर्म के आधार पर हत्याएं हो रही हैं उस पर पर्दा डालने का काम करती है और कहती है कि हिंदुओं की हत्याओं को धर्म के एंगल से जोड़ के मत देखिए, वो सरकार इस तरीके के इनसेंसिटिव एक्ट्स कर सकती है। आज केंद्र में भाजपा सरकार है, भाजपा के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा चलित यहाँ पे पूरा केंद्र शासन जो है वो चल रहा है। एलजी इज मेयर अ पपेट ऑफ द होम मिनिस्ट्री और बीजेपी का डायरेक्ट यहाँ पे रूल है और मंदिरों पे इस तरीके के इंसेंसिटिव हमले हो रहे हैं। मुझे लगता है बहुत कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग इस तरीके के प्रहारों को समझ रहे हैं और इनकी राजनीति को भी अब समझ रहे हैं। जिन ऑफिसर्स के निर्देशों पे ये मंदिर को तोड़ा गया है, किस तरह की कार्रवाई ऑफिसर्स के खिलाफ होनी चाहिए? उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए, एक जांच कमेटी गठित होनी चाहिए और अगर निजी लोगों को फायदा दिलवाने के लिए मंदिर पे हमला बोला गया तो फिर उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। मंदिर कमेटी के प्रधान अनिल जी हमारे से मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी, क्या कुछ हुआ था कल दोपहर 2 बजे यहाँ पे और क्या कुछ बातचीत हुई है, मीटिंग वगैरह जो हुई है क्या बात हुई है? सर, कल का वाक्य है जी, कल 2 बजे का टाइम होगा, यहाँ पे तहसीलदार साहब आए होंगे, उनने बिना नोटिस के कल ये डैमेज कर दिया। थोड़ी सी उनको मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि एक साइड पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी जिसके कारण उन्होंने उसको डैमेज किया, उसके साथ यहाँ पे आके देखा, इसको भी डैमेज कर दिया। कल से पहले कभी कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं आया, कल भी कोई नोटिस नहीं आया था। शाम को हम सब इकट्ठे हुए, जब आए तहसीलदार साहब से बात हुई हमारी, शाम को ये वाले तहसीलदार ये नॉर्थ आए थे, यहाँ पर बात हुई, SDPO साहब, SHO साहब सब यहाँ पहुँचे। आज सुबह का वाक्य है, जब तहसीलदार सर को बात होती है हमारी तो उनके से बात, उन्होंने मैडम से बात की, डीसी मैम ने जो बुलाया हमें, हम गए वहाँ पे बैठ के बात हुई जो, ठीक है, हमने बताया कि आपने कोई नोटिस नहीं बताया, ठीक है, आपके तहसीलदार साहब JDA के जो आए उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया बिना उसके, तो तोड़ फोड़ कर दी। उन्होंने अपनी टीम गठित की, ADC साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और भी लोग आए, एक्शन साहब आए थे, वहाँ उन्होंने मार्केशन करवाई और उन्होंने पूरा इंश्योर किया कि आपको जो रूम टूटा हुआ है उसको बना के देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मसला सॉर्ट आउट हो गया आराम से। ये जो चूना वगैरह डाला गया है ये रोड में आ जाएगा? ये रोड में आ जाएगा, 20 फुट यहाँ से बराबर करके देंगे, बाकी वहाँ से पीछे से आपने देखा होगा चूना, वहाँ से उन्होंने लैंड बढ़ा दी, यहाँ से जगह लिए, यहाँ से लिए उन्होंने पीछे दे दिए और बना के देंगे जो डैमेज हुआ। अब मामला खत्म, बिल्कुल क्लियर मामला हो गया, बड़ा पॉजिटिव, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और थैंक यू। जो हमारे स्थानीय पार्षद थे श्री सूर्य प्रकाश पादला, उन्हीं की अध्यक्षता में हम DC से मिले थे आज और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला और गलती तो उन्होंने की थी और गलती को मानना भी है और हमने यही कहा था कि, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आइंदा के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक मिसकंसेप्शन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि साथ वाली बिल्डिंग जो थी वो इलीगल थी, वो इलीगल तौर पर बन रही थी, उसके कारण ही इसको ये टूट गया, उनको पता नहीं लगा, उसके लिए उन्होंने उसकी माफ़ी हमसे मांगी है। मंदिर के साथ वाली बिल्डिंग एक इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी की चल रही थी यहाँ पे और वो अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया क्योंकि वो इलीगल थी, हर तरह से इलीगल थी, एक भी बंदे ने उनके फेवर में यहाँ पे नहीं आके बोला है। अगर मंदिर के लिए हज़ारों लोग यहाँ पे खड़े हैं, कल दोपहर से हम लगभग 1-1.5 बजे के से अभी तक यहाँ पे खड़े हैं सभी के साथ, लेकिन उस मसले में अभी तक एक भी बंदा नहीं आया, उसी की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई जो है वो प्रशासन हमें करके दे रहा है और हम शुक्रिया अदा करते हैं DC मैडम का। DC मैडम ने इसका अप्रूव किया। अनिल जी, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, रोष है इस मंदिर के टूटने से और खासकर नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, अग्नि ज्योत यहाँ पे जल रही थी। सर, यही है कि जो नवरात्रे चल रहे थे उसके बीच में डैमेज किया, अगर 2 दिन बाद होता हमें आराम से बोल के सॉर्ट आउट हो जाना, आराम से, जैसे आज सॉर्ट आउट हो गया कल भी हो सकता था, उसके कारण अब उन्होंने अपनी गलती मानी है और हमें इंश्योर किया कि जैसे वो काम लगा रहे हैं अभी बना के देंगे, तो इतना बड़ा, और हम यही कहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए सबका, ठीक है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए दोबारा, वो हमने मैडम से मांग की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी मतलब घर घबराए हुए हैं? नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से मंदिर वहाँ पर है, जैसे आरती सुबह शाम दोनों टाइम होती वैसे होगी, आराम से चलता रहेगा, काम हो जाएगा, विद इन डेज में आपको जैसा वैसा बना था वो वैसा सेम बन के मिलेगा, लंगर चलते रहेंगे। अगर हमें सब पूजा रिस्पॉन्स, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला होता तो इससे भी बड़ा बवाल अभी और उठना था। अभी हमारी लेडीज जितनी भी थी अभी कोई भी बाहर नहीं निकला था, हमारे कहने पे हमने सभी को अभी संभाल के रखा था घरों पे, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम एक बार पुनः उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे पूजा पाठ चलता है फिलहाल दोबारा चलता रहेगा, लंगर होते रहेंगे, सत्संग होते रहेंगे, चलता रहेगा, ठीक है। कॉर्पोरेटर साहब भी आए हुए हैं, जो मुकामी यहाँ के कॉर्पोरेटर, इनसे भी बातचीत करेंगे। कॉर्पोरेटर साहब प्लीज़ बैठें, क्या कहना चाहेंगे ये जो आपके वार्ड में इस तरह का वाक्य सामने आया है? ऐसा है कि ये जो मंदिर है ये 40 साल पुराना मंदिर है, तो पिछले साल क्या हुआ कि यहाँ फ्लड आया,
फ्लड आने से हमारा मंदिर की जो एक दीवार थी वो गिर गई। हमने फिर दोबारा 2-3 महीने लगाए, लोगों से कुछ चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करने के बाद हमने 3 महीने इस मंदिर का काम किया और उसके बाद इसकी स्थापना भी की। हमारे यहाँ श्यामलाल जी जो हैं एक्स मिनिस्टर वो भी यहाँ आए, हमारे जो डिप्टी मेयर हैं बलोरिया साहब वो भी यहाँ आए और भी जितनी दुनिया थी यहाँ, सब ने उनके यहाँ से प्रसाद लिया। हमें कभी जेडीए ने नहीं कहा कि ये मंदिर आप जहाँ लीगल बनाया या कुछ बनाया, कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई। कल 2 बजे का वाकया है कि जहाँ कुछ अधिकारी जो जेडीए के हैं वो आए और उन्होंने एक दीवार जो है वो तोड़ दी हमारी। उसके बाद मैं यहाँ आया, मुझे इतला मिली तो मैंने जो तहसीलदार थे जेडीए था उसको मैंने यहाँ बुलाया, भाई क्या बात है। तो उसने कहा नहीं ये तोड़ना ही तोड़ना है। उसने हमारे साथ बदतमीजी भी की और ये सारी चार दीवारी और ये जो हमारे टाइल जितनी डाली थी उसने सारी तोड़ दी। इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी जेडीए तहसीलदार ने, इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं, ये बैठकर मसला हल हो सकता था, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन इन्होंने हमारी आस्था जो थी मंदिर की उसको इन्होंने चोट पहुँचाई है तहसीलदार ने। उसके बाद आज हमें डीसी मैडम ने बुलाया था, वहाँ हमारा सारा मसला उन्होंने सॉल्व कर दिया है। हम उस पर बिल्कुल खुश हैं सारी पब्लिक और सब लोग, जिसको भी पूछ लो हमारा मसला हल हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। हम जनता के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में एक रोष था, गुस्सा था कि नवरात्रों के समय में इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी जेडीए को। जनता को यही मेरा आश्वासन है सारा कि ये जो हमारा नुकसान हुआ ये हमें भी सबको दुख है इस चीज़ का, ये जो इन्होंने तोड़ा, ये अच्छा काम नहीं किया इन्होंने, ये मसला हमारा बैठ कर हल हो सकता था लेकिन उन्होंने कर दिया। अब मेरी जनता को यही अपील है कि हम सब मिलजुल कर इसको प्रशासन के साथ मिलकर इसको बनाएंगे और लोगों को जैसा था वैसा ही बना हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मामला कल से अभी तक यहाँ पे चल रहा था वो फिलहाल सॉर्ट आउट हो चुका है और प्रशासन जो है जिन लोगों ने जिस डिपार्टमेंट ने इसको तोड़ा था वही लोग अब इसको बना कर भी देंगे और शांति से सारे लोग रहें, प्यार मोहब्बत से आपसी भाईचारा बना करके जो है सब लोग रहें, यही कामना है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया, मैं अरफाज मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ। और वैसे भी अस इधर तां आए हैं, अंकुर शर्मा और आवाज इधर अस उधर आए हैं, अस कोई इधर लड़ने नहीं आए, कुछ अंकुर नहीं, सारे ना। 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 ना।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ।